स्टूडेंट्स, तो आज हम ट्राई करेंगे दूसरी टेक्निक से स्क्वायर रूट्स फाइंड करना। अभी तक हमने पहली ट्रिक से डिस्कस करा था, अब हम दूसरी ट्रिक से डिस्कस करेंगे। जौन सी भी इजी लगे हम उसे यूटिलाइज कर सकते हैं नंबर्स के स्क्वायर रूट्स फाइंड करने में। तो देखते हैं, बहुत ही आसान सी ट्रिक है। इसके लिए बस हमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए जो हमें पता भी होती हैं कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 89। ये हमें पता है, इन सब के स्क्वायर्स हमें गिवन है। इससे ये हमारा कंक्लूजन बॉक्स है जो मेन हमें याद रखना है कि भाई अगर हमें कभी भी लास्ट में ना अगर हमें यूनिट डिजिट पे 1 दिख जाए, हमें किसी भी नंबर का रूट फाइंड करना है और उसकी यूनिट डिजिट पे 1 दिख जाए, तो हमारा जो स्क्वायर रूट का आंसर होगा उसके यूनिट डिजिट पर या तो 1 है या 9 है। अब इन दोनों में क्या है वो हम सिचुएशन के हिसाब से अभी डिस्कस करेंगे कि 1 होगा या 9 होगा। जैसे अगर लास्ट में कभी भी हमें 4 दिख जाए तो या तो उसकी यूनिट डिजिट पे 2 होना चाहिए या 8 होना चाहिए। लास्ट में 6 दिख जाए तो 4 या 6, दो हमारे पास चॉइसेस हैं, 9, 3 या 7। हम किसको प्रेफर करेंगे वो तो हम अभी देखते हैं। 5 और 0 का सबसे आसान है, 5 में कोई चॉइस नहीं है, 5 ही आएगा, और 0 में भी कोई चॉइस नहीं है, 0 ही आएगा। तो हम ट्राई करते हैं 6, 7, 2, 4, हमें इसका रूट फाइंड करना है। तो हमने इसे दो उसमें डिवाइड कर लिया है, 67 हमारा अलग नंबर है, 24 हमारा अलग नंबर है। तो भाई हमें 67 किसके आसपास है हम जल्दी से देख लेंगे। 8 जो हमें पता है 64 होता है। अब जो 64 और 67 है उसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ना भाई, 5 तक डिफरेंस है तो चल जाएगा। 64 67 में कितना डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। तो भाई हमें छोटा वाला नंबर, अगर कम डिफरेंस हो तो छोटा वाला नंबर, ज़्यादा डिफरेंस हो तो बड़ा वाला नंबर चूज करना है। देखो अभी अब 4 होने के दो चांसेस थे, दो ऑप्शंस थे। अगर हमारे पास 4 है तो या तो 2 होगा या 8 होगा। 2 या 8 में हम कौन सा प्रेफर करेंगे, 2 या 8 में हम वो प्रेफर करेंगे जो छोटा वाला होगा, यानी कि हम प्रेफर करेंगे 2 को। हमारा आंसर आ जाएगा 82। दूसरा डिस्कस कर लेते हैं, इसमें भी हम दो पार्ट्स में कर लेंगे। अब जल्दी से देखते हैं 77 वाला जो होता है, 77 वो 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, इन दोनों के कहीं बीच का है, लेकिन हम छोटा वाला लेंगे। तो 8 तो हमें पता चल गया कि 8 8 64, लेकिन उससे ये काफ़ी बड़ा है, 64 से तो काफ़ी बड़ा है। तो एक बात हमें ध्यान में रखनी है कि 4 के लास्ट में या तो 2 आ सकता है या 8, लेकिन 2 या 8 में से हम प्रेफर कौन सा करने वाले हैं, हम प्रेफर वो वाला करने वाले हैं जो बड़ा है, यानी कि 8। तो हमारा आंसर हो जाएगा 88। जैसे हमें 3136 का रूट फाइंड करना है तो 3136 का भी कैसे फाइंड करें, 3136 5 5 25 होता है। अब या तो यहाँ पर क्या आ सकता है, लास्ट में 6 है तो लास्ट में या तो 4 आएगा या फिर आएगा 6। अब 4 या 6 में से किसको प्रेफर करें, ये 5 का स्क्वायर 25 होता है तो 25 से 6 बड़ा है भाई। अगर कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो, 5 से भी ज़्यादा बड़ा हो, है ना, तो क्या हम बड़ा वाला नंबर चूज़ कर लेते हैं। तो हम चूज़ कर लेंगे 56। जल्दी से देख लेते हैं इसको कैसे करने वाले हैं हम। 2916 है हमारा, तो हमारा एक होगा 5 5 5 25। अब ये 25 के काफ़ी पास है, बस 4 का डिफरेंस है, तो 25 के ये काफ़ी पास है। तो या तो 4 चूज़ करना है या 6 चूज़ करना है, लास्ट में हमें 6 दिख रहा है, हम कौन सा चूज़ करने वाले हैं, हम चूज़ करने वाले हैं छोटा वाला, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 54। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 54, हमारा इसका आंसर 54 हो जाएगा। और कोई भी हम चूज़ कर सकते हैं इन्हीं में से, नहीं जैसे हमें चूज़ करना है 9801, अब हम इसका रूट कैसे ढूंढें 9801, तो भाई कुछ भी नहीं करना, ये दो डिजिट्स ये दो डिजिट्स। अब ये जो 98 है ना, 98 9 9 81 होता है, ठीक है, और 10 10 100 होता है, तो मतलब 10 का 100 होता है ना, तो ये कहीं 9 या 10 के बीच में, हम 9 चूज़ कर लेंगे, लेकिन 81 से तो ये काफ़ी बड़ा है। अगर ये 81 से इतना बड़ा है तो 1 के चॉइसेस क्या है, अगर 1 यूनिट डिजिट पे है या तो 1 चॉइस है या 9 चॉइस है, तो हम इस चॉइस में से कौन सा प्रेफर करेंगे, बड़ा वाला नंबर हम प्रेफर करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है 81 और 98 में, तो हमारा आंसर आ जाएगा 99, ठीक है। जैसे ये है, इसमें हम क्या करेंगे, लास्ट की दो डिजिट और शुरू की 3 डिजिट। अब हम सोचेंगे 620, अब देखना हमें
24 का स्क्वायर पता है, 24 का स्क्वायर भी होता है, 24 का स्क्वायर होता है 576 और 25 का स्क्वायर होता है 625। तो भाई हम इन दोनों के बीच का कुछ नंबर है, यहाँ तो हम लिख देंगे 24, छोटा वाला ही चूज करना पड़ता है, लेकिन ये इससे तो बहुत ही बड़ा है, तो हम ना जो दो चॉइसेस होंगे उनमें से बड़ा वाला प्रेफर करेंगे। तो वन की क्या क्या चॉइस होती है, या तो वन आ सकता है या नाइन आ सकता है, कौन सा प्रेफर करेंगे, वन या फिर नाइन? हम प्रेफर करेंगे छोटा वाला नंबर, नहीं बड़ा वाला नंबर, क्योंकि भाई डिफरेंस बहुत ज़्यादा है ना 576 और 620 में, तो हम बड़ा वाला नंबर प्रेफर करेंगे यानी कि 9, और हमारा आंसर आ जाएगा 249। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 249 आ जाएगा। ऐसे ही हम ये फिफ्थ एग्जांपल देख सकते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या है 5041, ठीक है। अब ये हम इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। अब ये जो 50 है, 7 का स्क्वायर होता है 49, उससे बहुत ही थोड़ा ज़्यादा है, एक ही तो ज़्यादा है, तो 7 का स्क्वायर होता है 49, 7 हमारा डिसाइड हो गया। अब लास्ट में 1 है, 1 के दो चॉइसेस हो सकती है, या तो 1 आए लास्ट में या फिर आए 9। अब ज़्यादा डिफरेंस तो था नहीं ना 49 और 50 में, तो हम छोटा वाला नंबर चूज कर देते हैं, यानी आंसर हो जाएगा 71। ये वाला ट्राई करते हैं, इसमें भी क्या है 7 7 49, 8 8 64, तो हमें 7 चूज करना पड़ेगा, लेकिन ये 49 से बहुत बड़ा है, 62 ना 49 से बहुत बड़ा है, तो 1 और 9 में से हम बड़ा वाला नंबर चूज करेंगे और हमारा आंसर पता है क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 79, ठीक है। इसमें हम कैसे डिवाइड करेंगे नंबर्स को, पहले 3 और लास्ट के 2, ऐसे हम नंबर्स को डिवाइड करने वाले हैं, पहले के 3 नंबर्स और लास्ट के 2 नंबर्स। तो हम अब क्या करेंगे, ये जो है हमें पता होना चाहिए 16 का स्क्वायर होता है 256, और ये 256 से थोड़ा सा बड़ा है, बस 3 बड़ा है, तो हम ना छोटा वाला नंबर ही चूज करने वाले हैं। लास्ट में 1 है, हमारे पास दो ऑप्शन है 1 या 9, लेकिन हम प्रेफर कौन सा करने वाले हैं, भाई हम प्रेफर करने वाले हैं 1 या 9 में से कौन सा प्रेफर करें, हम छोटा वाला नंबर प्रेफर करेंगे, 161 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 161। इस पे आ जाते हैं, हमारा है 24336, ठीक है। अब हमें सबसे पहले सोचना है ये जो 24336 है इसमें हम कुछ ऐसे डिवाइड करेंगे नंबर्स को, ठीक है। अब ये क्या है, ये जो है हमारा ना ये 55 5 25, ये है 24 का स्क्वायर होता है 5 243, 15 का 16 का होता है 256, 16 से तो छोटा है, तो हम 15 लेने वाले हैं, 15 का स्क्वायर होता है 225, लेकिन 225 से ये काफ़ी बड़ा है, तो हम बड़ा वाला चूज कर लेंगे। हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम 4 यूज़ कर सकते हैं या फिर हम 6 चूज़ कर सकते हैं। लास्ट में अगर 6 आए ना तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम 4 चूज़ कर सकते हैं या 6 चूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम कौन सा चूज़ करने वाले हैं, हम बड़ा वाला चूज़ करने वाले हैं, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 156। ऐसे हम इसका आंसर निकालेंगे, 15 का होता है 225। ऐसे ही हम किसी का भी निकाल सकते हैं, जैसे इसमें है ये दो डिजिट्स हमें दिख रही है, शुरू के 3 और लास्ट के 2, हम क्या करेंगे, हमें पता है इसमें भी 15 का स्क्वायर है, 15 जो है ना 15 का क्या होता है 225, और 16 का होता है 256, 16 का होता है 256, तो हम 16 वाला चूज़ करेंगे। अब लास्ट में 1 है, तो हमारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो 1 चूज़ कर सकते हैं या फिर हम 9 चूज़ कर सकते हैं, तो या तो 1 या 9, अब हमें सोचना है 1 या 9 हम कौन सा चूज़ करें। तो भाई ये 16 का 256 का तो बहुत ही बड़ा है 285, तो हम बड़ा वाला नंबर चूज करेंगे, ठीक है। 16 का 256 उससे तो बहुत ही बड़ा है, अगर बड़ा है तो बड़ा वाला नंबर चूज़ कर लो, 9 चूज़ कर लो, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 169 आ जाएगा, हमारा आंसर आ गया 169। ये वाला देख लेते हैं, इसमें हमारा है 55696, काफ़ी बड़ा नंबर है, कोई बात नहीं ये, ठीक है। अब हमें पता होना चाहिए कि हमारा 25 का होता है 625, 24 का होता है 576, 23 का होता है 529, जो 23 हमें पता है 23 का स्क्वायर होता है 529 से तो काफ़ी बड़ा है ये, है ना 529 से बहुत बड़ा है, तो हम बड़ा वाला नंबर चूज़ करने वाले हैं। लास्ट में 6 हो तो हमारे पास दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो हम 4 चूज़ करें, ठीक है, या फिर हम 6 चूज़ करें, लेकिन हम चूज़ कौन सा करने वाले हैं, हम बड़ा वाला चूज़ करने वाले हैं, तो 6 हम चूज़ कर देंगे और हमारा आंसर हो जाएगा 246।
तो ऐसे हम बहुत सारे नंबर से स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से भी कोई भी एग्जांपल सोच सकते हैं, जैसे कि हमने सोचा हम बोलते हैं 15625, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने की कोशिश करते हैं, 15625 का स्क्वायर रूट फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो शुरू की 3 डिजिट्स, लास्ट की 2 डिजिट्स। शुरू की जो 3 डिजिट्स हमें दिख रही हैं, हमें पता है 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 का होता है 169, तो 12 और 13 के बीच में है ये, हम 12 लेंगे छोटा वाला। लेकिन 144 जो है, इसमें तो मैं सोचना ही नहीं, बड़ा छोटा कुछ नहीं सोचना, तो बस लास्ट में क्या आ जाएगा 5। तो चलो ऐसे ही हम सीख तो चुके हैं, 2 और एग्जांपल्स लेकर देखते हैं। एक हम ले लेते हैं अंडर रूट 1, 2, 5, 4, 4। 1, 2, 5, 4, 4 हम ट्राई करके देखते हैं इसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना है। तो शुरू के 3 डिजिट्स और लास्ट की 2 डिजिट्स हमने चूज कर ली। अब ये जो 125 है, हमें पता है 100 के आसपास है, 10 का स्क्वायर 100 होता है और 11 का स्क्वायर 121 होता है, 11 के ज़्यादा पास है, तो 11 हमने चूज कर दिया। अब 11 का होता है 121, उसके तो बहुत पास है ही 125, तो हम छोटा वाला नंबर ही चूज़ करेंगे। हमारे पास लास्ट में 4 होने के 2 ऑप्शन हैं, या तो 2 आ जाए या फिर 8 आ जाए। अब 2 या 8 हम किसको प्रेफर करने वाले हैं, 2 को या 8 को हम प्रेफर करने वाले हैं, छोटे वाले को, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं था ना, तो हमारा आंसर आ जाएगा 112। और कोई एग्जांपल सोच के देखते हैं हम, जैसे ले लेते हैं 13924, इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करने की कोशिश करते हैं। इसमें भी फर्स्ट की 2 डिजिट्स, लास्ट की 2 डिजिट्स हम अलग कर लेंगे। अब हमें इतना तो क्लियर है कि लास्ट में 4 को 2 या 8 आएगा। अब देखो इसमें भी हम 11 लेंगे, 11 का स्क्वायर होता है 121, 12 का 144 होता है, लेकिन 11 से तो ये बहुत बड़ा है ना, 121 से काफ़ी बड़ा है, तो हम बड़ा वाला नंबर चूज़ करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 118। तो इस तरह हम बहुत सारे नंबर्स का स्क्वायर रूट, बहुत बड़े बड़े नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। अभी तक हमने जिनका भी स्क्वायर रूट फाइंड करा है, वो सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर ऑलरेडी हमें पता था, ठीक है, जिनमें हमें परफेक्ट आइडिया है कि हाँ भाई ये नंबर तो परफेक्ट स्क्वायर ही होगा। जैसे 3136 हमें दे रखा है, हमें पता है ये परफेक्ट स्क्वायर ही है, तो हम ऐसे ही यूज़ करेंगे कि भाई 3136 है, तो शुरू की 2 डिजिट्स, लास्ट की 2 डिजिट्स, 315, 2 ऑप्शन हैं, या तो 4 या 6, कौन सा चूज़ करेंगे भाई हम कौन सा चूज़ करेंगे, हम देखेंगे कि 5 5 से 25 है, उससे बहुत बड़ा है 31, तो हम बड़ा वाला नंबर चूज़ कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 56। तो हम बहुत ईजिली ऐसे, अभी तो बोलने में टाइम लग रहा है, नहीं तो कुछ सेकेंड में, 10 सेकेंड में हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। अभी तक हमने सिर्फ इम्परफेक्ट नंबर के स्क्वायर रूट फाइंड करें, हम परफेक्ट नंबर के भी स्क्वायर रूट, इम्परफेक्ट नंबर के भी स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, वो हम अगली वीडियो में ट्राई करते हैं, जो इम्परफेक्ट हो, मतलब जिनका स्क्वायर रूट पॉसिबल ही ना हो, पॉइंट में हो, तो हम उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल टू गेट द रेगुलर वीडियोज, प्लीज लाइक एंड शेयर एज मच एज Thanks for watching the video. I hope you like it. Don't forget to like, share, comment, and subscribe.